बोलो श्री गौ माता की जय। अति गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ हो। गाय ने माता की पदवी जे, गाय में 33 करोड़ देवी देवता को निवास हो गो करे जे। संसार में यहाँ को कोई दुख कौन है जो गाय की सेवा से दूर न हो सके। लेकिन आज ही कलयुग के मायने गाय की बहुत ही दुर्दशा हो रही जे। हिंदू हिंदू लोग बाग खाली खाई जे, लेकिन खतनी में और करनी में बहुत ही अंतर आ रही साहब। तो एक बहुत ही पुरानी बात सुनाऊं जो पंजाब के मायने महाराजा रणजीत सिंह को राजो। तो राजा बहुत ही धर्मात्मा, देवी को भक्त और प्रजा की रक्षा की साथ साथ में गाय की और ब्राह्मण की सेवा को विशेष ध्यान रखबो करे जो। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह की बात, पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह की बात। हर को ब्राह्मण को भक्त भजे जगदम्बा ने दिन रात, को ब्राह्मण को भक्त भजे जगदम्बा ने दिन रात। और तिजोरी दान धर्म की खोली दी, तिजोरी दान धर्म की खोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ हो। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर के मायने रहबो करे जो। एक बार लाहौर के मायने कोई शेठ कुओ खुदवायो पानी के ताई, कुओ बनवा और पास के मायने चिड़ी जानवर ताई पानी पीवाने एक खेड़ू भी बनवा दीनी। लाहौर में एक सेठ करायो कुआ को निर्माण, लाहौर में एक सेठ करायो कुआ को निर्माण। हर चिड़ी जानवर ताई बनाती खेलू वाले शान, चिड़ी जानवर ताई बनाती खेलू वाले शान। आदि बात वो दिल के माई सतोली दी, हर यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होनी। बात
जिंदा गाय बैल चिड़ी जिंदावर पानी पीबान आवे। एक दिन एक गाय पानी पीबान आयोड़ी जी भी खेड़ू के पास में एक नाली जी भी में कोई नाज का दाना पड़ा भी आ जा तो गाय की पानी पीती की नजर चलेगी वह दाना उड़ी तो पानी पीबान छोड़ और शादी नाली के माय ने मुंडो दे ली नहीं वह गाय और वह नाज का दाना ने खावा लागी। अब गाय मुंडो दे बान तो दे ली पर साहब वापिस मुंडा ने निकाल वो मुश्किल होगो। विखेड़ू कने एक नाली जी में पड़िया अन्न का दाना। विखेड़ू कने नाली एक जी में पड़िया अन्न का दाना। विखेड़ू पास एक नाली जी में पड़िया अन्न का दाना। विखेड़ू पास एक नाली जी में पड़िया अन्न का दाना। एक गाय पी रही पानी जिस नहीं रहा वे छाना। एक गाय पी रही पानी जिस नहीं रहा वे छाना। और गाय गर्दन नाली में गोली दी अरे यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली गाय गर्दन नाली में होली यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली और धर्म पे विरुद्ध पाठ क्यों बोली यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली हर गड़बड़ होली दी फिर कोई गड़बड़ होली दी धर्म के विरुद्ध पाठ क्यों हो घायल होगी साहब पण सिंह इन नाली सु बारह ने कौन निकल रहा साहब तो गाय ने देख देख रहा आस पास का लोग बाग इकट्ठा होगा वे लोग बाग खूब प्रयत्न कर रहे थे बचावा की खूब कोशिश कर रहे थे पण साहब पार नहीं कौन पड़ रही। लोग बागा के चिंता होगी रे कि जे नाली सु नहीं निकलिया ने तो यह गाय खत्म हो जाएगी। फस गया सिंह नाली में होरी गो माता हैरान। फस गया सिंह नाली में होरी गो माता हैरान। अरे आया बचावा लोग बाग पढ़ना कोई हुयो निदान। आया बचावा लोग बाग पढ़ना कोई हुयो निदान। और भीड़ हो गई इकट्ठी बोली दी अति भीड़ हो गई इकट्ठी बोली दी यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ हो हो गई कट्टा होली यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली जी यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी हर गड़बड़ होली जी फिर कोई गड़बड़ होली जी गाय के विरुद्ध बात क्यों जय हो जय हो जय हो तारी सुन तारी सुन तारी सुन ले अति गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली जी चिंता लागी अब करा तो कहीं करा भाई एक जनो देख खजरे के यार एक काम करो इस शेड की दीवार ने तोड़ दो मकान की ने तो ये गाय का प्राण बच जाएगा। कोई कारीगर ने बुलवा लियो तो वो ये डोली ने ढा दे लो और आपा फेरी बाद में ये गाय ने निकाल लिया आपा
उपाय सोच जनता ने आखिर कियो एक ऐलान। उपाय सोच जनता ने आखिर कियो एक ऐलान। ई मकान की दीवार तुड़ाया बचे गऊ का प्राण। ई मकान की दीवार तुड़ाया बचे गऊ का प्राण। अरे मिस्त्री डाले लो या डोरी जी, और मिस्त्री डाले लो आ मिस्त्री ढाते लो चट डोरी जी। यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी। मिस्त्री और कारीगर ढाते लो चट डोरी जी। यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी। गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली जी। यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी। हर गड़बड़ होली भगवान की जय। तो लोग बाग राज्य गाक जी तरीका से तो ही गाय का प्राण बच सक जे। इतनी देर में एक जनों का ही खेजे भी भीड़ में सुई एक आदमी खड़ो है मारो बटो को। अरे गजे चढ़ाओ क्यों छे जो बापड़ा ही सेठ की मकान की दीवार को नुकसान कराओ जो इतना पीसा लाई जाते बापड़ा गए। एक काम करो हाथी कंस से कोई आरी मंगवा लियो और आरी से ही गाय का सिंगाने काट आरी ने बाहर निकाल लियो तो शेठ को भी नुकसान को नोलो। तो लोग जो लोग का आत्मा में दुख हो गुरु देखो चलो कहीं की बात कीजिए। एक नीच निर्दयी बोलियो कोई मती करो नुकसान। एक नीच निर्दयी बोलियो कोई मती करो नुकसान। आरी से काटो सिंह गाय का बोलियो बुरी जबान। आरी से काटो सिंह गाय का बोलियो बुरी जबान। और बात ची कड़वी जहर निमोली दी। अति बात ची कड़वी जहर निमोली दी। यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ हो। आत्मा में दुख हो रहे को भी की बात के ऊपर कोई ध्यान ही कौन दियो। अरे गज यार आपने तो एक काम करो भी कारीगर ने बुलाओ फटाफट और ये डोली ने हटाओ ठसु। तो साहब कारीगर आ अरे भी डोली ने डादी नी और नाड़ी ने तोड़ और गाय ने से जो बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लेनी। तो सब लोग बाग प्रसन्न होगा। नहीं दियो नीच पे ध्यान जनता दीनी तोड़ दीवार। नहीं दियो नीच पे ध्यान जनता दीनी तोड़ दीवार। अर मुंडो काटो बार गाय दे खुशी हुआ नर नार। मुंडो काटो बार गाय ने खुशी हुआ नर नार। आज खुशी को ढोल बजा दियो ढोली जी। नागर दिन नागर दिन खुशी को ढोल बजा दियो ढोली जी। यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी।
होली जी धर्म का विरुद्ध बात क्यों, अति गाय का विरुद्ध बात क्यों बोली जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी, अरे गड़बड़ होली जी फिर कोई गड़बड़ होली जी, विरुद्ध बात क्यों बोली जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली। बाहर निकलता ही सब लोग वहां खुशी होगा भी भीड़ के मायले एक राजा को सिपाही भी मौजूद छो, राजा भी ने ड्यूटी समला में ले ली जी, भाई नगरी का सारा हाल चाल छे जो रोजिना मैंने आर सुनावे लो, तो वो महाराजा रणजीत सिंह ने जा और भी गाय की घटना सुनावे जे, ये महाराज इस प्रकार से भी गाय का प्राण बचाया, वो आए एक आदमी आख एक जी दीवार ने तोड़ अरे गाय ने बारह निकाल लियो, तो सारा तो भी का पक्ष में जा, पर एक आदमी मारो बटो को काटो जिद रियो जो, अरे कदी शेठ का मकान को काई लेवे नुकसान कराओ जो, कोई आरी ल्यार गाय का शिंगा ने काट और गाय ने काट लियो, तो राजा रणजीत सिंह के तन बदन में आग लागी, यार अपनी नगरी के मायले अया को कुंडा लायक जे जो गाय के प्रति अया कई शब्द गया, भीड़ में मौजूद एक राजा को कर्मचारी, भीड़ में मौजूद एक राजा को कर्मचारी, वो महाराजा रणजीत सिंह ने खबर सुना दी सारी, वो महाराजा रणजीत सिंह ने खबर सुना दी सारी, हो जी सुनकर शान हो गई थोड़ी जी, आज सुनकर शान हो गई थोड़ी जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होनी, सुनकर शान हो गई थोड़ी जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी, गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी, हर गड़बड़ होली जी फिर कोई गड़बड़ होली जी, गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली जी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली जी, हो गड़बड़ होली जी फिर कोई गड़बड़ होली, तो राजा एक सिपाही ने हुक्म दे दे कि यार अया को आपड़ी नगरी में कुण छे जो गऊ माता के प्रति भी की यहाँ का विचार जे बिगा, एक काम करो भी को तलाश कर अरबिन पकड़ मारे पास में ले आओ, कुणवो ऐसो नीच निर्दयी पकड़ लिया वो तुरंत, कुणवो ऐसो नीच निर्दयी पकड़ लिया वो तुरंत, वो असली हिंदू नई बात को छान लियो मैं तंत, वो असली हिंदू नई बात को छान लियो मैं तंत, आज लिया वो करके टांगा तोड़ी दी, लिया वो करके टांगा तोड़ी दी, वो असली हिंदू, असली हिंदू नहीं फिर कोई गड़बड़ होली, हो लिया वो करके टांगा तोड़ी दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली दी, गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली दी, हर गड़बड़ होली दी फिर कोई गड़बड़ होली दी, गाय के विरुद्ध बात क्यों बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली दी, धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली।
सही साहब ने पकड़ और राजा कन पेश कर दे जे। राजा देकर कहते कि बतावा ही थारी काई जात से कौन जो तू? कहते महाराज हिंदू जू। नहीं 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 कहते सांची बता दीजिए, हिंदू तू हो ही कौन सके, बता तू भी गाय के प्रति काई शब्द किया तारा? किस महाराज वह मारा मुंह से गलती सु निकल गा और मन माफी दियो, मारा मुंडा सुया निकल गई भाई से जो खाती के सुहारी मंगारी गाया गाय का सिंह ने काट गाय ने बाहर निकाल लियो ही कि मैं माफी चाहू जू महाराज और मैं हिंदू ही जू। नहीं नहीं कह हमारे समझ में ही कौन बैठ रही बात, हिंदू और गाय के प्रति जे जो थराया का विचार जे अपराध धर्म को करो नहीं तू हिंदू की औलाद, अपराध धर्म को करो नहीं तू हिंदू की औलाद, वो हाथ जोड़ियो खयो भूल से हो गयो अपराध, वो हाथ जोड़ियो खयो भूल से हो गयो अपराध। आज जिन आगे बम्बा बोली दी और जिन आगे बम्बा बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली, माफी मांग ली नहीं राजा से। और राजा कहते कहते नहीं तू कोई असली हिंदू की औलाद ही को सच सच्ची बात बता। कहते महाराज मैं थाने सच्ची बात ही बता रही जू, मैं हिंदू ही जू। राजा देखे आ रहे यहां कौन पार पड़े, सिपाही ने हुक्म दे दे कि एक काम करो भाई इन्हें जेल के मायने डाल दियो जाए। और अब चोर ने कहीं पकड़ा, चोर की जनबाड़ी नहीं पकड़ ले रहा हो, एक ही माँ ने पकड़ी और मारे पास में ले आओ, दियो जेल में डाल भूप यू सुना दियो आदेश, दियो जेल में डाल भूप यू सुना दियो आदेश, और चोर काई चोर की जनबाड़ी ने करो फटाफट पेश, चोर काई चोर की जनबाड़ी ने करो फटाफट पेश। हाथी कुण से खेली आंख मिचोली दी, अरे कुण से खेली आंख मिचोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं क्यों गड़बड़ होली, अरे कुण से कर्म धर्म की गड़बड़ सु हिंदुआ में आयो दोष, कर्म धर्म की गड़बड़ सु हिंदुआ में आयो दोष, हर मात पिता की मेहर सुदामो जिक्र सुनावे ठोस, मात पिता की मेहर सुदामो जिक्र सुनावे ठोस। हाजी मणिया ने कर माला बोली दी, हाजी मणिया ने कर माला बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं क्यों गड़बड़ होली, मणिया ले कर माला बोली दी, यो हिंदू को धर्म नहीं कोई गड़बड़ होली दी, अरे गाय के विरुद्ध
श्री कृष्ण भगवान की जय। तो महाराज जी की माँ ने पकड़ हर दरबार में पेश कर दे जे। राजा देखकर खजल डोकरी सांची सांची बात बता दीजिए, तू हिंदू छे या और कोई बलाई जे। वह हाथ जोड़ खजे की महाराज मैं हिंदू ही जू। नहीं नहीं गज फिर थारे या आया की संतान कया पैदा होगी जो गाय में 33 करोड़ देव देवता को निवास है, जी का गोमूत्र से देवता भी पवित्र हो जाए। वी के प्रति जो या थारी संतान आया का शब्द मुंह से क्या निकाली। तो राजा डोकरी ने पूछ रहे थे और कहीं खरीदे। हर बोल डोकरी बोलिए थारी सोगन। हाँ बोल डोकरी बोलिए तारा कयाम बिगड़ का डोलिए। बोल डोकरी बोलिए थारा कयाम बिगड़ का डोलिए। बोल डोकरी बोले थारा कयाम बिगड़ का डोलिए। तू काई काई खोटा कर्म करया ये तू काई काई खोटा कर्म करया। अब मन की गुंडी खोल डोकरी बोले। बोल डोकरी बोले थारा मन की गुंडी खोले थारा कया बिगड़ जा डोले। बोल डोकरी बोले थारा कया बिगड़ जा डोले। तू काई काई मन की गुंडी खोल डोकरी बोले। राजा देख रहे थे डोकरी या थारा कौन सा पति की संतान जी सही सांची सांची बता दीजिए कि महाराज मैं तो पतिव्रता लुगाई जू। चाहे ते मारा पीर में पूछ लियो, चाहे मारा सासरा में पूछ लियो, चाहे और कोई ठिकाना में पूछ लियो, और मैं हिंदू ही जू महाराज। काई खरीच डोकरी मैं हिंदू पतिव्रता लारी बोलू एक तिम साच। अर जान सारा आस पड़ोसी कर वालो चाहे जाच। क्यों कर रही झूठा रोलिए मन दिक गाल मथोलिए। क्यों कर रही झूठा रोलिए मन दिक गाल मथोलिए। नहीं धर्म विरुद्ध हिंदू बोले नहीं धर्म विरुद्ध हिंदू बोले थोड़ी दिल में बात सतोल डोकरी बोले। राजा देख कर डोकरी मार बात काल दे उतरी गुनाल। हिंदू को मतलब हो जाए यानी धर्म के विरुद्ध वो कोई आचरण कर ही कौन सके, गौ माता के प्रति कोई अपराध कर ही कौन सके। इमें डोकरी गड़बड़ जरूर से सही बता कि महाराज मैं थाने सही बता रही जू। जना राजा देख रहे डोकरी या कौन बतावे तो चलो डोकरी बात सुन ले मारी। थारा पुत्र ने मौत की सजा दी जारी जे
और थारी उम्र भर की कैद जे और अब भी बलो दिन चाहे जो तू तू मन साची बात बता सके जे काई खरी जे राजा दू पुत्र ने सजा मौत की थारी कर दू जेल हर साची ना बोले तो सारी उम्र पापड़ वेल मन ने जरा ज खोलिए या मिन क्या दे अल मोलिए मन ने जरा ज खोलिए या मिन क्या दे अल मोलिए अब सही बता समाचार डोकरी सही बता समाचार डोकरी मुनो मत बदल डोकरी बोले अब सही बता समाचार सही पता समाचार दो करी मुंडो मती बदारी सो गले करी हारी सो गले बोले करी बोले थारा कया बिगड़ गा डोले तू काई काई खोटा कर्म करया तू काई काई खोटा कर्म करया मन की गुंडी महाराज की जड़ा साहब टोकरी के काल में दड़ो सो लागो रे कि आपनो बेटो भी खत्म हो लो और आपनी सारी उम्र की कैद हो ली तो राजा ने खरी से टोकरी के दिलते महाराज हमारी बात सुनो यो लड़को जी टेम में मारा गर्भ में आयो ने मारो गर्भवास चाल रहे जो तुम आगे मकान के सामान एक आदमी छे जो रोजिना मरेड़ा जानवर की छे जो खाल उतार बो करे जे तो मैं रोजिना छे जो ऊटर भी का दर्शन कर बो करे जी वो ही दीखे जो सामान काई करूँ शाम शाम भी कोई पिलाट बड़े जो हर मारी निगे चली जाए जी तो ये कारण से या मारे यहाँ की संतान पैदा होगी महाराज और मारो कोई दोष को नहीं काई खरी से डोकरी मरिया पशुआ की खाल निकाले पड़ोसी अन्यायी हर गर्भ करियो जब धारण चल गई नजर सुबह होताई वो तारे पशुआ की खोल दी वो तारे पशुआ की खोल दी यही पढ़ो कर्म को जोड़ दी यही पढ़ो कर्म को झोड़ जी यही पढ़ो कर्म को झोड़ जी धन कारण असली बता दीज मैं कारण असली बता दी मारो पूत निकल गो टोल टोकरी धन कारण असली बता कारण असली बता दी मारो पूत निकल गो समझ को सारी बात कि यही गड़बड़ हुई है लेकिन डोकरी मैं मानगो वास्तव के मायने कई लोग यहाँ का भी काम करवाना छे जहाँ को रोजिना को धंधो ही हुई है और भी का दर्शन करवा से विघ्न देख पा से थारे यहाँ की संतान पैदा होगी जा थान दोनों माँ बेटा नहीं छोड़ू छू मैं पर आगे के लिए ध्यान रख बाकी बात है अयं को अपराध कदे न होनो चाहिए कि ठीक महाराज तो आप माँ बेटा ने दोनों ने छोड़ दीजे और एक राजा नगरी में आदेश दीजे कि भाई घर घर के में आए ना यो हुक्म दियो
कि कोई भी गर्भवती स्त्री है वह एक सोना की अंगूठी बनवा ले चाहे चांदी की अंगूठी बनवा ले बिन बिक माने कांच जड़वा ले तो रोजिना सुबह उठ हर कोई कोई मुंडो न देखे सबसे पहले आपको मुंडो ही भी मैं देख ले तो आगे के लिए आया की संतान पैदा को नोली। तो भी टाइम के मायने वो धर्मात्मा राजा जो और धर्मात्मा ही प्रजा जी तो सभी इस प्रकार से जो भी गर्भवती होती न तो भी अंगूठी में आपको रोजिना उड़ सुबह पहले मुंडो देख लेती। तो इस प्रकार से अगर हकीकत में कोई हिंदू है तो यहाँ की गड़बड़े कौन बन सके कि पड़े कीच में भी पड़े कीच के बीच नरक में नीच नीचता त्यागे ना और नहीं सांच ने आज खाए सोना के काई लागे ना सोना के कदे भी काई को लाग सके काजल कदे भी सफेद को नो सके। माँ बेटा ने छोड़िया मत कर जो आइंदा गलती आदेश भूप ने दियो राख जो ध्यान सभी गर्भवंती ल्याओ सोना की अंगूठी मोल रे ल्याओ सोना की अंगूठी मोल रे ल्याओ सोना की अंगूठी मोल रे जिम कांच जड़ावो गोल रे जिम कांच जड़ावो गोल रे जिम कांच जड़ावो गोल रे सब गर्भवती नित मुक्त खोज सब गर्भवती नित मुक्ति को सब गर्भवती नित मुख देखो दियो पजा सुधा ढोल डोगरी बोले सब गर्भवती नित मुख देखो सब गर्भवती नित मुख देखो दियो पजा सुधा ढोल डोगरी बोले ढोल डोगरी बोले हरा कया बिगड़ काई काई खोटा कर्म कर्या ये तू काई काई खोटा कर्म कर्या अब मन की ढूंढी खोल टोकरी बोले अये बोल टोकरी बोले तारा कया बिगड़ का डोले तू काई काई खोटा कर्म कर्या तू काई काई खोटा कर्म कर्या अब मन की ढूंढी खोल टोकरी चंद्र भगवान की जय।